नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध और प्राचीन नगरों में से एक नगर के बारे में, जिसे टिहरी गढ़वाल नाम से जाना जाता है। यह अपने आप में खूबसूरती और साथ में अपना इतिहास समेटे हुए टिहरी बहुत प्राचीन शहर रहा है। और इसके बारे में जो वर्तमान में टिहरी डैम यहाँ पर बना हुआ है, उसके बारे में भी देवभूमि इंडिया इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक टिहरी बांध के बारे में पूरी जानकारी देवभूमि इंडिया ने आपको दी हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं और टिहरी डैम के बारे में और बारीकी से और बेहतर ढंग से जान सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिहरी बांध के बारे में, टिहरी जिले के बारे में। यह भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है टिहरी, और जो यहाँ स्थित बांध है वह 261 मीटर ऊँचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊँचा और सबसे विशाल बांधों में से एक है, तथा टिहरी बांध दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बांध है। टिहरी बांध भागीरथी व भिलंगना नदी पर बना हुआ है। यह एशिया का सबसे बड़ा बांध भी है। टिहरी बांध का क्षेत्रफल लगभग 42 किलोमीटर है। इस बांध को बनाने की स्वीकृति सन 1972 में दी गई थी। वर्तमान में जिस जगह पर टिहरी बांध स्थित है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे गांव बसा करते थे, और कहा जाता है कि बहुत अलग अलग गांव यहां पर बसा करते थे, और बहुत खूबसूरत यह जगह थी। खूबसूरत तो अब भी यह स्थान बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो गांव थे वह यहां से हटा के उनको दूसरी जगह उनके मकान बना के उन्हें वहां दिया गया। लेकिन जो भी लोग थे वह यहाँ से पलायन नहीं करना चाहते थे, वह किसी और स्थान पर नहीं जाना चाहते थे। इसके लिए काफ़ी अधिक मात्रा में हमारे उत्तराखंड में आंदोलन भी हुए, इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आप और डिटेल से इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं वो जानकारी भी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अब दोस्तों, हम जानते हैं टिहरी के इतिहास के बारे में। उस समय पर एक प्रसिद्ध कुमाऊनी गढ़वाली गाना यहाँ पर आया था, मेरी पितरों की बसाई टिहरी पानी झुकता है, अर्थात मेरे पितरों की बसाई हुई यह भूमि पानी में डूबती जा रही है, इसका मतलब यह था। साथ ही दोस्तों, अब हम इसके इतिहास की ओर चलते हैं। टिहरी के इतिहास की बात करें तो यहाँ काफ़ी ऐसे शासक थे जिनका शासन रहा। ऐसी मान्यता है कि मालवा के राजकुमार कर्ण का एक बार बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए आए थे। उनकी मुलाकात पराक्रमी राजा भानु प्रताप से हुई, और राजा भानु प्रताप ने राजकुमार कनकपाल को से प्रभावित होकर अपनी बेटी का विवाह कनकपाल से कर दिया, और कनकपाल पीढ़ी दर पीढ़ी गढ़वाल के अलग अलग गढ़ों में जीत हासिल कर अपना राज्य स्थापित करने लगे। सन 1803 ईस्वी में गढ़वाल के इस क्षेत्र पर भी उनका कब्जा हो गया था। इसी दौरान गढ़वाल पर गोरखाओं ने आक्रमण भी करते रहे। सन 1803 में आखिरकार देहरादून की लड़ाई में गोरखाओं की विजय हुई, जिससे राजा पद्मभान मारे गए। लेकिन इनके बाद शहजादे, जो उस वक्त छोटे थे, उनके वफादारों ने उन्हें छिपा दिया था, उन्हें बचा दिया था। बाद में वही महाराजा रणजीत सिंह कहलाए, और राजा रणजीत सिंह ने इन सभी गोरखा आक्रमणकारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर उन्हें बाहर कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर कुमाऊं, देहरादून और पूर्व गढ़वाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया, और पश्चिमी गढ़वाल को राजा सुदर्शन को दे दिया, जिसे तब से टिहरी रियासत के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी को टिहरी शहर बनाया। बाद में उत्तरकाशी प्रताप शाह, कार्तिकेय शाह और नरेंद्र शाह ने इस राज्य की राजधानी प्रताप नगर, कार्तिक नगर, नरेंद्र नगर स्थापित की। इन तीनों ने 1815 से 1949 तक यहाँ राज किया। आज़ादी के बाद यहाँ के लोगों के मन में राजाओं के शासन के प्रति, उसको बदलने के प्रति विचार आया, और फिर अंत में 60वें राजा मानवेंद्र शाह ने भारत के साथ जाना सुनिश्चित किया। बाद में 14 फरवरी 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी एक तहसील को अलग कर उत्तरकाशी जिला बना दिया। दोस्तों, ये था टिहरी गढ़वाल का इतिहास, किस तरह से इसका प्राचीन इतिहास रहा। अब हम जानेंगे यहाँ कौन कौन से प्लेस आप घूम सकते हैं। सबसे प्रमुख और विशेष जगह है टिहरी बांध, जो कि एशिया का सबसे बड़े बांधों में से एक है। दूसरा है दोस्तों घनसाली, हिमालय की गोद में बसा
तीन ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। अगला है दोस्तों महारस ताल। ऋषि मुनियों के इस पवित्र स्थान पर विश्व जन कल्याण के लिए धर्म ग्रंथों की रचना की थी। अगला है दोस्तों चंबा। चंबा में भी आप जा सकते हैं। यहाँ से बर्फ से ढके हिमालय पर्वत और भागीरथी घाटी की खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इन खूबसूरत प्लेसों के साथ साथ और काफ़ी ऐसी खूबसूरत जगह है जो आप टिहरी गढ़वाल में घूम सकते हैं। उन सभी के बारे में देवभूमि आगे किसी और सीरीज में आप लोगों को बताएगा। साथ ही दोस्तों आप जान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, भारत की राजधानी तथा उत्तराखंड की राजधानी से यहाँ की दूरी कितनी है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। दोस्तों टिहरी तक पहुँचने के लिए आपको बस और ट्रेन की ही मदद मिल सकती है, बस और टैक्सी यहाँ के लिए मिल सकती है। दिल्ली से यहाँ की दूरी 344 किलोमीटर है तथा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 108 किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों कुमाऊं के द्वार कहे जाने वाले काठगोदाम से 335 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी स्थित है तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 814 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी स्थित है। अब दोस्तों आज के प्रश्न जिनके उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों टिहरी डैम की ऊंचाई है वह कितनी है, और साथ में दोस्तों टिहरी डैम विश्व में कौन से स्थान पर है। दूसरा प्रश्न टिहरी बांध कौन सी दो नदियों पर बना हुआ है, और लास्ट और आखिरी प्रश्न दोस्तों गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब विजय प्राप्त की। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया। वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें और अपनी नॉलेज भी बढ़ाएं। दोस्तों ये थी जानकारी टिहरी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी और प्रसिद्ध शहर की जानकारी के साथ। जय हिंद।